क्या चले आजकल, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। आज हम जिस टिकटॉकर की बात करने वाले ना, वो इस दुनिया में ना भी आता तो ये दुनिया वैसी की वैसी रहनी थी। जिस मुठ को गटर में बहा देना चाहिए था ना, उसके टैलेंट में एक बार गौर फरमाते हैं। नजर आया? नहीं नजर आया, नहीं। दोबारा देखो। अभी भी नजर नहीं आया, नहीं। अबे दोबारा देखो। हाँ, अब आया समझ। मैला हुलिया, रूह अफ़ज़ा में डुबोई हुई 50 रुपए वाली ऐनक और कुत्ते वाला मुंह लेके आपने मरासियों की तरह चलना है, ये है भाई साहब का कंटेंट। अब मैं ना इधर इसकी वीडियोस को मेंशन करने नहीं आया। जाहिर है टिकटॉक से चुटियापा तो हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ यूं हुआ कि अली खान हैदराबादी ने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके एक रेंडम लड़की को कॉल पे लिया जो इसकी फैन थी। अब जब लड़की ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की तो जो इसके साथ बच्चा बैठा हुआ है उसने कह के लगाना शुरू कर दिए और बकवास करनी शुरू कर दी कि ये तो काली है। अब पहले एक बार वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। यार ये लड़की को राजी में कर पाता है, ये मेरे पे गया है। सामने आओ, बोल रहा है काली लड़की। अली भाई आप सामने आ रहे हैं? अली भाई अगली फैन है उसकी और इज्जत दे रही है भाई कह के। और अली खान द टॉकर क्या ये रहा है लड़की को कि कैमरा साफ करके आओ, बच्चा डर गया। आप अपना कैमरा थोड़ा साफ करें, वो डर रहा है जी। वो डर रहा है थोड़ा, कैमरा साफ करें आप अपना। ऊपर से हंसी भी जा रहा है। अब जब इसकी पैनिया की कुछ लोगों ने देखी तो कुछ बड़े टिकटॉकर्स ने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टिकटॉक का गंद जो है वो टिकटॉकर्स खुद भी आके कॉल आउट कर रहे हैं कम से कम। लेकिन जब उस फीमेल टिकटॉकर ने अली खान हैदराबादी में स्टोरियां लगाई कि उसने गलत की है, तो बावली ऑफ टिकटॉक ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो लाइक्स और व्यूज के लिए कर रही है। अपने फेम और व्यूज और लाइक्स के चक्करों में जिस यूट्यूबर के व्यूज ही नहीं आते, सब्सक्राइब ही नहीं मिलते, उसको भी उसने मेंशन करके अपनी स्टोरी पे मेंशन किया हुआ था। मुझे एक बात बता, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से किसी के लाइक्स और व्यूज कैसे बढ़ रहे हैं भाई? खुद तूने दुबई टिकट के लिए कुछ मरवाई है और आईफोन के लिए नानी वाले से भरवाई है, वो भी 2 बार, और बातें इधर तो लाइक्स और व्यूज की कर रहे हैं। हर हारे हुए बंदे का आर्गुमेंट यही होता है कि हर बंदा ना लाइक्स और व्यूज के लिए बस कर रहा है। साले तेरे जैसे को मर्दाना कमजोरी के एड के पोस्टर में लिया होते, कहने को ये सेलिब्रिटी है। अब पिछले दिनों टिकटॉक बैन हुई थी ना, तो बड़े लोगों ने मुझे स्टोरियों पे मेंशन किया कि भाई वीडियो बनाओ। ट्विटर भर गया मेरा, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना इनके सपोर्ट में ना इनके अगेंस्ट। मैंने कभी भी बैनिंग कल्चर को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो टिकटॉक ही क्यों ना हो। लेकिन अब मैं कहता हूं कि पीटीए ने टिकटॉक को बैन करके जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया होगा। मैं तो कहता हूं यू टर्न मारो, दोबारा बैन करो टिकटॉक को, पानी वो सारे, क्योंकि टिकटॉक और ये बीगो शीगो जैसे एप्स अली खान जैसे जाहिल मजीद पैदा करेगी और कुछ नहीं। एक चीज और जो मैं मेंशन करना चाहूंगा जो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, वो ये है कि यार इस तरह की सिचुएशन में इरफान जुनेजो किधर गायब हो जाता है। जिन लोगों को नहीं पता, कई महीने पुरानी बात है, मैंने एक लड़की अगेंस्ट ट्वीट कर दी ही, जो बाद में मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। खैर मैंने मामला खत्म करने के लिए उसको पर्सनली रीच आउट करने की कोशिश की, जो पहले तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर मैंने एक दोस्त के थ्रू उसको रीच आउट किया, उसको अपोलॉजी की, उससे बात की, और फिर मैंने वीडियो भी डाली उसके फेवर पे, उसमें भी अपोलॉजी की, और मैंने इन रिटर्न उसे कुछ नहीं मांगा कि भाई वो मेरे खिलाफ जो है वो भी रिमूव करे, क्योंकि मुझे पता था कि आई मेस्ड अप और आई नीड टू बी अ बिगर पर्सन एंड अपोलॉजाइज। लेकिन इरफान जुनेजो भाई साहब आ गए जी ट्विटर पे कैंसिल करने, उस दौरान जब मेरी इससे जान पहचान थी। अब अगर आप बेसिक एथिक्स पे जाओ ना, तो बंदे को कम से कम प्राइवेटली रीच आउट करके पूछ लेना चाहिए था अगर तुम्हारी उससे बातचीत है कि हाँ भाई क्या सीन है, और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो वो मुझे बता सकता था, या अगर ट्वीट करनी भी होती या बात करनी भी होती तो मुझे डायरेक्ट मेंशन किए बगैर ये बंदा कर सकता था। अब ये ना कोई पहली बार नहीं है, इसने और भी कई यूट्यूबर्स के साथ ये काम किया हुआ है, और मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये ऐसा करता क्यों है। ये बंदा हमेशा उस चीज के उठा के मुंह में डालेगा या उसके अगेंस्ट बोलेगा जहां से उसको फायदा हो रहा होगा। मेरे से जब ट्विटर पे फकअप हुआ था तो मेरे अगेंस्ट एक लड़कियों का ग्रुप था, उन लड़कियों के ग्रुप की सिंपथी जीतने के लिए जुनेजो भाई साहब ट्वीट करने मैदान में आ गए। तुम लोग यकीन करो, मेरा जो बड़े से बड़ा दुश्मन रह चुका है ना इन द पास्ट, वो भी मुझे प्राइवेट मैसेज करके समझा रहा है जहां पे मैं गलत हूं, और प्राइवेटली पूछ रहा है कि भाई क्या सीन है, जबकि उसके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो मेरी मार सकता था अच्छी खासी, और वो मेरा दुश्मन रह चुका है इन द पास्ट। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बेसिक एथिक्स है, जो चूतिया नहीं है ना उसको पता है। इसी तरह कश्मीर पे पाबंदी लगी तो भाई साहब ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि कंट्रोवर्सी है, तो चलो खैर वीडियो तो कई लोगों ने नहीं बनाई, भाई साहब ने ट्वीट करना भी गवारा नहीं किया। लेकिन जब टिकटॉक पे पाबंदी आई तो टिकटॉकर्स के उठा के मुंह में डालने शुरू कर दिए कि शायद आने वाले दिनों में टिकटॉकर मुझे अपना मामू कबूल कर लें, क्योंकि यूट्यूबर्स में तो सारों ने इसको बायकॉट किया हुआ है, जैसे इसकी हरकतें हैं ना इसको कोई मुंह लगाता है। अब तुम लोगों को याद होगा भाई साहब की स्टेटमेंट थी कि यार मैं इस तरह के टॉपिक पे इसलिए नहीं बात करता क्योंकि किसी का ओपिनियन चेंज नहीं होता, तो इसलिए पॉलिटिक्स और रिलीजन वाले टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करता। आई विल नॉट मेक अ वीडियो ऑन कश्मीर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहले रिलीजियस
और पॉलिटिकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की गलती की है, जो ठीक है, मेक सेंस। लेकिन मुझे ये बताओ कि वो सारे क्रिटिसिज्म वर्दी टिकटॉकर जिसको आज तक इस भाई साहब ने मेंशन नहीं किया, जो टिकटॉकर एक आम लड़की जो उसकी फैन है उसको लाइव स्ट्रीम पे आके काली बोल रहे हैं, उसका पॉलिटिक्स और रिलीजन से क्या ताल्लुक है? या वो जो मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन का क्या ताल्लुक है? या उस पे तूने किसी का ओपिनियन कैसे चेंज करना है? या तो होना कि कोई ऐसा इसको सपोर्ट करता हो, लेकिन नहीं भाई साहब, उस बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई यूट्यूबर ना कैंसिल नहीं हो रहा, उसमें किसी यूट्यूबर को गिराने का मौका नहीं मिल रहा, सोशल मीडिया पे कवरेज नहीं आएगी, तो इसलिए फायदा नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे उसने इसलिए ट्वीट की थी क्योंकि आप पब्लिकली दोस्त थे उसके साथ, उसने डिसोसिएट करना है। तो यार मुझे बताओ, मैंने कब पब्लिकली क्लेम किया कि वो मेरा दोस्त है? सिर्फ इसलिए कि कोई एक दूसरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो तो इससे कोई दोस्त नहीं हो जाता? डिसोसिएट तो भाई साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी रोज गप्पे लगती है ना, रोज कोलैब आता है इनके साथ। मैंने आज तक इसको अपने चैनल पे फिल्म करके नहीं डाला, उल्टा ये जरूर करता रहा, वो भी विदाउट प्रॉपर कंसेंट कैमरा घुसाया था मुंह पे। हाँ, प्राइवेटली हमारी बातचीत जरूर थी और एक कॉन्टेक्ट जरूर था जहां इसकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, सारा पाकिस्तान इसकी ब्ले रहा कश्मीर वाले इशू में, सब्सक्राइबर लूज कर रहा, डिसलाइक्स आ रहे हैं, तब मैंने इसको प्राइवेटली इसका जितना साथ दिया मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने दिया उन्हें, तो मैंने भी इसे सेम एक्सपेक्ट किया है। लेकिन वही बात है, बेसिक एथिक्स ही नहीं है, इंटरनेट पे आके अपने आप को नवाब शरीफ दिखा देना लेकिन पीठ पीछे सब यूट्यूबर्स की बुराइयां, ब्रांड एजेंसीज के पास जाके भी सारे यूट्यूबर्स की बुराइयां, जिसका मेरे पास एक एक सबूत पड़ा हुआ है बाय द वे, बट मैं यहां पे सिर्फ अपना पार्ट क्लियर करने आया हूं जो इसने ट्वीट किया है मेरे अगेंस्ट। इरफान जो ने, जो भाई साहब ने अपनी रीजन दे दी थी कि वो एसोसिएट क्यों नहीं करना चाहते मेरे से, तो ये थी मेरी रीजन जो कि है डबल स्टैंडर्ड्स और मुनाफकत। अब हो गया हिसाब बराबर, वापस बात करते हैं इसकी। अब जब मैंने इसकी लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो देखी ना शुरू में, तो मुझे जेन्युइनली घिन आई और बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने इवन पोस्ट भी डाली इस बारे में जहां से वो बात मजीद फैली भी, जिसके बाद अली खान हैदराबादी ने रिस्पांस वीडियो भी बनाई है जिसका टाइटल पढ़ के जितना ये पहले ही मनहूस है ना उससे डबल लगेगा। जो लोग जलते हैं ये सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, तो आज मैं आपको बताने वाला था वो जो क्लिप चल रहा है आजकल मेरे खिलाफ कि लड़की को मैंने ये बोल दिया वो बोल दिया, तो उसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से आगे निकल गया हूँ। इधर पूरा इंटरनेट इसकी मार रहा है और इसकी ढीटनेस चेक करो बस। हम आगे निकल गए हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, लोग जलते हैं, इसलिए एक आम शहर की लड़की को काली बोल सकता हूँ क्योंकि हम सेलिब्रिटी हैं जो आगे निकल गए हैं। पुत्र तेरे जैसों को बंदा बाइक पे आगे बैठा के अपने पैसे बचाए। मैं थोड़ा सा कुछ लोगों से आगे निकल गया हूँ और आपको इसके बारे में मुर्शिद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। मेरा नाम सैयद वसीम अब्बास, वैसे मुझे मुर्शिद जी कहते हैं। यार nobody give a fuck, भाई तू कौन है? मतलब इसका जाहिल और पेंडापन देखो, बजाय इसके के आके सॉरी बोले और बात को खत्म करे, उसकी जगह अपना कोई लेकर आया हुआ जो अब डेढ़ मिनट तक इसके मुंह में डाल के गरारे करेगा कि अली तो बहुत अच्छा है, बड़ी इज्जत करता है लोगों की। बंदे के साथ मैं रहता हूँ, उठता बैठता खाता पीता हूँ, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है और इसके इसका दिल बहुत साफ है। तो ये जो चुकने वाला पार्ट है ना, हम लोग स्किप कर देते हैं सीधा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि अली ने गलती की होगी। गलती की होगी पुत्र, अगर कोई गलती हुई है ना तो वो हुई है उस सस्ते कॉन्डम कंपनी से जो उस रात इस्तेमाल ही होना चाहिए था। उसने जैसे कॉल की तो वो मैं साइड में खड़ा हुआ था, मुझे भी नजर नहीं आया क्या है, तो उसने बोला कि ये लड़की जो ना ये काली सी, ये बच्चा भाग गया। सही है, फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला वो कह रहा है कि लड़की काली है, तो आप जो है ना ऐसा करें कि आप अपना कैमरा साफ करें या तो कुछ, मुझे भी नहीं पता कौन क्या है, सीन है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे भी नहीं पता कौन क्या है, सीन है। एक काम का टाइम निकाल और डूब के मर जा, जेन्युइन बता रहा हूँ। एलेक्स भट्टी, यार एलेक्स भट्टी भी अगर ये वीडियो देख रहे ना, यार मे भी मैंने तुझे टिकटॉक का सबसे खबीस मखलूक करार दिया होगा, लेकिन पुत्र मुबारक हो, आज तू सेकंड नंबर पे आ गया, इसी बात पे मुजरा हो जाए। बंदा पूछे कि तो उस बच्चे की बात को रिपीट करके हंस रहा है उस लड़की पे, फिर तूने उसको बोला कि अपना कैमरा साफ करके आओ, वो डर रहा है और उस दौरान भी तू डर रहा है, और सारी बातों को एक सेकंड के लिए साइड पे रखो, कुत्ते तू ऐ दस, कैमरा साफ करके कौन सा बंदा गोरा होता है? इधर झूले पे बैठ के सफाइयां ऐसे दे रहा है जैसे इसे कुछ किया ही नहीं है। जो आजकल ये चल रहा है यूट्यूब पे, और एक लड़की को मैंने लाइव पे लिया था तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब तो सर बोल दे, आईफोन के लिए जिनसे बनवाते ना उनसे ना मुंह धोने के लिए साबुन भी मांग लिया कर, क्योंकि यूट्यूब पे टिकटॉक वाले फिल्टर नहीं चलते। साफ खोते की लिद फूंक के बैठा ये बंदा। लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत बोला, ये मैं भी उस यार जस्ट शट अप।
ठीक है, बकवास बंद। ये वो लोग हैं जिनको चौक पे खड़ा करके जूते भी मारो ना शायद तभी ना माने। आईफोन 11 के बदले बंद तो तूने वैसे दी हुई है, एक काम कर मेरे पास आ, तुझे आईफोन 12 देता हूँ और चीखे तेरी पूरे हैदराबाद में गूंजेंगी। बाकी एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यार वो जो लड़की है जिसको कॉल पे लिया था, मैं उसका फेस ब्लर ही रखूंगा। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसका फेस दिखाऊं इस वीडियो में, क्योंकि वो एक आम शहर की लड़की है, वो कोई सेलिब्रिटी या स्टार वगैरह नहीं है जो अब ये हैंडल कर सकेगी। और अगर ये वो देख रही है तो बहन जी टेंशन नहीं लेनी, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन। बाकी देख के फॉलो किया करो लोगों को, उनको फॉलो करो जो कम से कम अपने फैंस की इज्जत करता हो और उनके लिए थैंकफुल हो, ना कि नारे लगाता फिरे कि भाई मुझसे तो लोग जलते हैं। और ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं थी, कोई डिस्क्लेमर नहीं है इस वीडियो में, तो इसलिए मैं कोई लाइक शाइक का एम वगैरह नहीं रख रहा। अगर तुम लोग मेरी बात से एग्री करते हो या ओवरऑल सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम लोग लाइक मार सकते हो, वरना कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा तो यार मैं यहाँ पर बाहर आया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि यार मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अली खान हैदराबादी मुझे यहाँ पर मिले, और कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, फैन मूवमेंट हो गए। वेट मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबाद चलने का स्टाइल देखे, कसम से यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैं इनसे मिला हूँ। मैंने बोला था कर लेना हाला, फेंके ये डाला चकलाला, फिर भी तूने ना माना, अब तूने सिर्फ उठाना। ये नीचे जो लगे बारूद है, देख मेरे कितने महबूब है। I'm very scared.